तो क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक वाक युद्ध छिड़ चुका है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यादव के कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर चुनाव को लेकर कैसे छिड़ी है जंग, ये हम आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में किनके घर भोजन किया है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ सपा और कांग्रेस के अब नेताओं के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें कौन किसे छोटा मान रहा है और कौन क्या कह रहा है, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी का एक दौर शुरू हो चुका है, और इस बयानबाजी को अगर समझें तो ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के भीतर जो एक केमिस्ट्री इन दोनों दलों के बीच होनी चाहिए वो केमिस्ट्री दिखनी बंद हो गई। कुछ वक्त पहले तक दोनों एक दूसरे के समर्थन की बातें कह रहे थे, लेकिन अब बातें विरोध की सुनाई देने लगी। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, वहां जहां इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आमने सामने हैं, कांटे की लड़ाई है। लेकिन अखिलेश यादव ने तकरीबन महीने भर पहले ही अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था, और अब वो अपने उम्मीदवारों के समर्थन में भी प्रचार करने पहुंच गए। अपनी पार्टी की मीटिंग ली, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और फिर उन्हें जिताने की अपील भी। कांग्रेस पार्टी को ये चीज़ भीतर से नागवार गुजर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस पार्टी के अभी तक अखिलेश यादव को किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर शुरू है। अखिलेश यादव ने याद दिला दिया, और अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने बिना मांगे उनका समर्थन घोसी में नहीं किया था, और साथ साथ ये भी कहा कि जब बागेश्वर की बारी थी तो बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी ने उनसे कोई समर्थन नहीं मांगा, इसलिए बागेश्वर में जब किसी ने समर्थन मांगा ही नहीं तो आखिर वो क्या करते, उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां उतार दिया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि चलो बागेश्वर रहा, लेकिन घोसी में भी उनको समर्थन मांगना पड़ा, और जब समर्थन मांगा गया तब सबने समर्थन दिया। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव आज, जब मध्य प्रदेश में उनसे ये सवाल पूछा गया। मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है, ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था, और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में एक और अहम बात कही। जब यही बात पूछा गया कि आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, कहीं आप इंडिया अलायंस में आपकी वजह से कांग्रेस का नुकसान तो नहीं होगा? अगर आप इंडिया अलायंस में हैं तो फिर कांग्रेस के खिलाफ, या फिर आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर अलायंस को ही नुकसान पहुंचेगा। इस पर अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो अपने कैंडिडेट्स और अपनी पार्टी की ताकत को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की ताकत कितनी है, क्या जो कैंडिडेट है वो अगर चुनाव लड़ रहा है तो क्या वो इंडिया अलायंस को आने वाले वक्त में मजबूत कर सकता है जब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के तर्क भी थोड़े अजीबोगरीब हैं। आप सुनिए जब उनसे पूछा गया कि आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव का जवाब क्या था। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको असेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जमीन पर है कि नहीं है। अब मान लीजिए बबलू पटेल है, यहाँ कोई गांव नहीं छोड़ा जिसको ये पैदल से पदयात्रा कर करके लोगों से संपर्क न किया हो, तो ये असेस करना जरूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें असेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम हैं कि नहीं हैं, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे।
इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। अखिलेश यादव जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी के कार्यशैली को अपनाने की एक कोशिश की और वो थी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में एक आदिवासी के घर खाना खाने का। दरअसल बीजेपी सहयोग सहभोज का एक कार्यक्रम करती है ज्यादातर दलितों और आदिवासियों के घर में, और आज मध्य प्रदेश के राजनगर क्षेत्र के सिंगरो गांव में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। और आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें आज अखिलेश यादव ने शेयर की है जिस महिला के घर वो पहुंचे और जिसके घर उन्होंने भोजन किया। अमूमन बीजेपी और आरएसएस के लोग इस तरीके से अपनी पहुंच दलितों और आदिवासियों तक बनाने की जो कोशिश करते हैं उसमें उनका ये भी एक कार्यक्रम होता है, और आज अखिलेश यादव भी इस गरीब आदिवासी के घर पहुंचे थे और वहां उन्होंने भोजन किया। कई बातें कहीं, उन्होंने कहा कि जो पीडीए बना हुआ है, उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम कम लिया और कहा कि जो पीडीए बना है वो 2024 में हराएगा, जातीय जनगणना कराएंगे और साथ साथ मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती है, सरकार तो निश्चित तौर पर या तो बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस पार्टी की बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां दावा जरूर किया कि अगर उनकी सरकार बनती है, हालांकि वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर कहीं सरकार बनी तो उनका दावा है कि 6,000 रुपये महिलाओं को वो हर परिवार की महिलाओं को 6,000 रुपये देंगे। तो अखिलेश यादव ये वादा करके लौटे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आगे कि कैसे, वो तो मध्य प्रदेश में हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं उनके बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई बयान दिए, खासकर बागेश्वर चुनाव को लेकर उनका बयान सबसे ज्यादा अहम था, जब उन्होंने पहले यह कहा था कि समाजवादी पार्टी को बागेश्वर का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जब वो इंडिया अलायंस में थे तो उन्होंने चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कही कि 80 में 80 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ने को तैयार है, यानी कि कोई अलायंस न भी हो तो भी कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने को तैयार है। उधर अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं कांग्रेस को लेकर वो आपने सुनी, लेकिन आज अखिलेश यादव की बातों को कांग्रेस के खिलाफ जो बातें हुई हैं उसे उनके प्रवक्ता सुनील साजन ने भी दोहराया, और सुनील साजन ने कांग्रेस के खिलाफ क्या बोला है ये सुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब घोषित चुनाव में समाजवादी पार्टी गई तो हमारा एक ही लक्ष्य था, भारतीय जनता पार्टी को हराना, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ विचारधारा वाले लोग थे या हमारे इंडिया गठबंधन के लोग थे, हमने सबसे पत्र लिख करके समाजवादी पार्टी ने मदद मांगी और हम सबका धन्यवाद देते हैं कि सबने मदद की, घोसी की सम्मानित जनता ने मदद की और घोसी में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, बहुत ज्यादा मतों से हारी। लेकिन जहां तक सवाल उत्तराखंड के चुनाव का है तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, या उन्होंने ये समझा होगा कि किसी की कोई स्थिति नहीं है कि हमारी मदद कर सकें, तो उन्होंने मदद नहीं मांगी, चुनाव हार गए। ठीक रहा समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस के अध्यक्ष को लग रहा है, राज्य के अध्यक्ष को, कि कांग्रेस 80 की 80 सीटें जीत सकती है, तो मैं तो राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा, खड़गे जी से अनुरोध करूंगा कि उनको पूरे देश में घुमाएं, अकेले ही कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी 0 हो जाएगी। तो सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के जाने माने चेहरे हैं, लेकिन जब उनसे सुनील साजन की बातों की प्रतिक्रिया जब अजय राय से पूछी गई तो अजय राय ने कहा कि मैं नहीं जानता कौन है ये सुनील साजन, वैसे भी छोटे नेताओं को बहुत ज़्यादा वो नोटिस नहीं लेते। सुनिए अजय राय ने क्या कहा। अब देखिए, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा ना कि भाई मुझसे मांगा गया नहीं मांगा गया, तो ये इनकी सोच है, हमारी सोच है काम करने की, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं, और उनके प्रवक्ता हैं शायद साजन जी, और क्या मैं नहीं जानता उनको, मैं तो जानता भी नहीं, पहली बार नाम सुन रहा हूँ, तो मैं निश्चित तौर से ऐसे लोगों का की बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। तो कांग्रेस और सपा की ये जुबानी जंग
इन दोनों पार्टियों को कहां ले जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ मीठा मीठा प्यारा प्यारा होगा, दोनों पार्टियों के बीच कोई बॉन्डिंग कोई जेल होगा, या फिर ये सब कुछ इंडिया गठबंधन के बनने के पहले ही बिखर जाएगा? अब लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन तो बन गया लेकिन उसके दलों के दिल आपस में नहीं मिल रहे, और ये 2024 के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।